गुजरात की सूरत में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़के बनी तालाब, लबाला पानी भरने से लोगों को मुश्किलों का करना पड़ रहा सामना, मौसम खराब होने से कामकाज पर पड़ रहा। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, लोगों को भारी परेशानी का करना पड़ रहा सामना, सड़कें बनी तालाब, घरों तक पहुंचा पानी। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से बिगड़े हालात, भारी बारिश के चलते समुद्र को जोड़ने वाले वीर कवि नर्मद सेतु के दोनों छोर के दरवाजे हुए बंद, 3 दिन से हो रही है मूसलाधार बारिश। मध्य प्रदेश के सागर जिले के नरियावली विधानसभा में बाढ़ का कहर, जेरई गांव में डूबे दर्जनों घर, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बुजुर्ग को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा। एमपी के कटनी में दिखा बाढ़ का रौद्र रूप, भीषण बारिश से पुल बहा, रेल ट्रैक पर भरा पानी, सिप्रा नदी के तेज बहाव में बहे मवेशी को बचाया गया। एमपी के दमोह में जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं छात्र, जिले के मड़ियादो इलाके में उफान पर है बमनी नाला, पुल पर जमा है 3 फीट पानी। पुणे में बारिश का कहर, देह रोड एरिया में निचले इलाके में घुसा पानी, सुबह तक जारी बारिश से जगह जगह जल भराव, स्कूलों से दी गई छुट्टी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लगातार हो रही बारिश, सावन में आसमान से आफत बनकर बरस रहे बादल, सड़कों पर भरा पानी, लोगों का निकलना हुआ मुहाल, भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। यूपी के लखीमपुर खीरी में उपंती नदी में डूबा गांव, काली पीली और नीली पल्ली में बाढ़ पीड़ितों का छल का दर्द, सड़क किनारे रहने को मजबूर, तेज रफ्तार गाड़ियों और सांप बिच्छुओं से खतरा। प्रयागराज में बुधवार रात में जमकर बारिश, उमस भरी गर्मी से जूझ रहे हैं लोग, थोड़ी सी राहत जरूर मिली, बारिश ने खोल दी सरकारी इंतजामों की पोल, कई जगह हुआ जलभराव। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की प्रमुख वाईएस शर्मिला ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों से बातचीत की, प्रभावित किसानों की मदद करने में विफल रहने के लिए प्रदेश सरकार की आलोचना भी। राजस्थान के दौसा में सावन की पहली बरसात से मौसम हुआ सुहावना, रिमझिम बारिश के दौर हुआ शुरू, बारिश से दौसा की शहर की सड़कें और नालों में उफान, सड़कों पर पानी भरने से कई दुपहिया वाहन बंद। आज बारिश का येलो अलर्ट, दिल्ली राजस्थान बिहार सहित कई राज्यों में बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग की कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट। संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन, संसद के दोनों सदनों में बजट पर आज भी होगी चर्चा, विपक्ष का हल्ला बोल जारी, आज भी संसद में हंगामे के आसार। पीएम मोदी ने कहा देश भर के युवा साथियों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, इसकी स्पष्ट झलक बजट में देखने को मिली। विपक्ष ने बुधवार को राज्यसभा से किया वॉकआउट, बिहार आंध्र प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्यों की अनदेखी का आरोप लगाया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेतुका बताते हुए खारिज किया। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया दावा, बजट में कई राज्यों को कुछ भी नहीं मिला, ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए हुआ। संसद में बजट पर चर्चा, लोकसभा में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा सरकार को खत्म करनी चाहिए अग्निवीर योजना, किसानों को देनी चाहिए एमएसपी की कानूनी गारंटी। लोकसभा में बोले टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा कुर्सी की पेटी बांध कर रखिए, मौसम बिगड़ने वाला है। विपक्ष करेगा नीति आयोग का बहिष्कार, 4 विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं होंगे शामिल, ममता बनर्जी ने साफ कहा नहीं करेंगी बैठक का बहिष्कार। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर बोले कर्नाटक सरकार में मंत्री ईश्वर खांडरे, केंद्र में बीजेपी सरकार बनने के बाद से लगातार की जा रही है कर्नाटक की उपेक्षा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का विपक्ष पर निशाना, कहा ना आगे बढ़ना ना बढ़ने देना ही कांग्रेस का रवैया है, लेकिन बाला को खुश करने के लिए बाकी भी उस लाइन में लग जाए ये पहली बार देखा। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन की आदत है, वे नीति आयोग जैसे बड़े मंच में भाग नहीं ले रहे, ये निंदनीय है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का पलटवार, कहा उद्धव ठाकरे ने खुद कहा कि उन्हें बजट समझ नहीं आता, इसलिए उनके कार्यकर्ताओं को इस बारे में नहीं करनी चाहिए बात। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बजट को बताया कुर्सी बचाओ बजट, बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोपों को बताया गलत। जेपी नड्डा ने खींची मोदी सरकार में बदलते भारत की तस्वीर, विपक्ष के आरोपों पर कहा निर्मला सीतारमण ने फरवरी में ही कहा था कि पूर्वी राज्यों को देंगे विशेष तवज्जो।
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अनियमितता के पीछे छिप नहीं सकती सरकार, अच्छा कर रही, युद्ध से प्रभावित अर्थव्यवस्था, इस बजट से नहीं बढ़ेगा रोजगार। कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार, जो सौ भी पार ना कर पाया वो हमें ना दे ज्ञान, हम अपनी खामियों पर काम करेंगे और बेहतर करेंगे। एवीपी शिखर सम्मेलन में बोले गौरव गोगोई, स्लोगन बदलने से नहीं बदलेंगे हालात, कहा धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए चेयरमैन को हटा दिया लेकिन खुद नहीं हटे। एबीपी शिखर सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कोविड के बाद डोमेस्टिक लेवल पर बढ़ रहा पर्यटन, सरकार ने महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की है और काबू में किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे, सरकार ने सिर्फ वही पैसा दिया जहां सरकार चलाने के लिए जरूरत थी। एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा संकेत दिया, कहा अब नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, रेवंत रेड्डी सरकार ने एक भी गारंटी लागू नहीं की, इससे बचने के लिए कर रहे प्रचार, मोदी सरकार ने तेलंगाना को कुछ नहीं दिया। किसानों की आय दोगुनी करने वाले मोदी सरकार के संकल्प पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा किसानों की आय पिछले 10 साल में बढ़ी है, कई जगहों पर आमदनी दोगुनी भी हुई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का दावा, कैबिनेट बैठक में हरसिमरत कौर ने किया था कृषि कानून का स्वागत लेकिन बैठक से बाहर आकर बदल गई। राहुल गांधी ने किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, कहा एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों का हक है, इसके लिए दबाव बनाएंगे। एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग पर बोले एसपी नेता धर्मेंद्र यादव, हम लोग लगातार कर रहे हैं मांग, देश के जनमानस की खत्म हो चुकी है बीजेपी से उम्मीद। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे ने गुजरात में खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी साइट और मुंद्रा पोर्ट का दौरा किया। अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने भूटान नरेश का आभार जताया है। अदाणी समूह खावड़ा में दुनिया की सबसे बड़ी 30,000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी परियोजना का विकास कर रहा है। नीट यूजी परीक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पारित, कहा गया हाल ही में हुई परीक्षा में धांधली हुई है, नीट परीक्षा से पश्चिम बंगाल को बाहर रखने की मांग। बिहार में पेपर लीक पर सख्त कानून, पेपर लीक में शामिल लोगों को 3 से 5 साल की जेल, 10 लाख रुपए का जुर्माना। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा पेपर लीक विधेयक पारित होते समय महागठबंधन के लोग बाहर थे, आरजेडी को जनकल्याण से कोई मतलब नहीं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने किया पलटवार, कहा पेपर लीक बिल को लेकर नहीं, आरक्षण की नवी अनुसूची में डालने की मांग, नहीं सुन रही सरकार इसलिए किया वॉकआउट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना, जहां राहुल गांधी आरजेडी विपक्ष में हो वहां विपक्ष की परिभाषा सरकार अच्छे काम भी करे तब भी वॉकआउट करो। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बवाल, विपक्ष की महिला सदस्य पर भड़के सीएम ने कहा कि कुछ जानती हो जो बोल रही हो, कहां से आई हो, महिला हो समझती नहीं हो। बिहार विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष कर रहा था हंगामा, वेल में आकर विपक्षी नेता कर रहे थे प्रदर्शन, लगा रहे थे नीतीश के खिलाफ नारे। आरजेडी ने सीएम नीतीश को घेरा, एक्सपोस में कहा कि एक महिला विधायक के लिए ऐसे शब्द, मुख्यमंत्री पद पर बैठे नीतीश कुमार अपने आप को इतना महान समझते हैं कि महिलाओं से इज्जत से बात नहीं कर सकते। नीतीश के बयान पर बोली राबड़ी देवी, महिलाओं से ऐसे बात करना नीतीश कुमार की घर से ही आदत है, वे और उनकी पार्टी नहीं देती है महिलाओं को सम्मान, दोनों सदनों में नीतीश ऐसे बात कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने लगाया आरोप, महिलाओं पर ऊंची और निम्न स्तरीय टिप्पणी करना सीएम नीतीश कुमार की आदतों में शुमार है, कुछ दिन पहले बीजेपी की महिला विधायक पर भी की थी भद्दी टिप्पणी। जेडीयू विधायक संजीव कुमार सिंह ने नीतीश का बचाव किया, कहा सीएम ने आरजेडी की महिला विधायक पर कोई गलत टिप्पणी नहीं की, बेवजह किया जा रहा, आरजेडी की तरफ से हंगामा। भारत के दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड ब्लेमी ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री से द्विपक्षीय बैठक की, विदेश मंत्रालय ने कहा सुरक्षा संबंधों को और मजबूत बनाएंगे भारत और ब्रिटेन। 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लामोचन व्यू पॉइंट पर कार्यक्रम, युद्ध स्मारक पूरी तरह से सजाया।
कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल वॉर मेमोरियल जाएंगे पीएम मोदी। कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। वॉल ऑफ फेम का भी दौरा करेंगे। रूस में फंसे गुरप्रीत ने वीडियो साझा करके रिहाई के लिए फिर से लगाई सरकार से गुहार। कहा सेफ जोन में पहुंचाया एम्बेसी। टूरिस्ट वीजा पर रूस गए गुरप्रीत, रूस सेना में जबरन किए गए। डीआरडीओ ने हासिल की एक और उपलब्धि। बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अब सीमा में घुसने से पहले ही ध्वस्त हो जाएगी दुश्मन की मिसाइल। 3 दिन के दौरे पर आज दिल्ली आएंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी से मिलने के लिए पीएमओ से मांगा है समय। दिल्ली में आज से शुरू होगी बीजेपी संगठन मंत्रियों की बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव परिणाम की बैठक में समीक्षा होगी। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया पर भी चर्चा की संभावना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज ठाकरे ने कसी कमर। आज पार्टी नेताओं की बुलाई बड़ी बैठक, ले सकते हैं बड़ा फैसला। बीजेपी की बढ़ा सकते हैं टेंशन। कर्नाटक में एमयूडीए घोटाले को लेकर बीजेपी का दिन रात प्रदर्शन का ऐलान। नेता विपक्ष और अशोक और कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र विधानसभा में ही सोए। भुवनेश्वर में आज सीएम माझी पेश करेंगे बजट। बीजेपी सरकार का पहला बजट आज किया जाएगा पेश। 3 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है बजट। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज चौथे दिन पर सरकार को घेरने की तैयारी। कई बड़े मुद्दों पर सदन के अंदर साए सरकार को घेरेगी कांग्रेस। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बुलाई कैबिनेट की मीटिंग। मानसून सत्र की तारीख होगी तय। विभिन्न विभागों में भर्तियों को मिल सकती है मंजूरी। प्रकाश आंबेडकर आज से शुरू करेंगे आरक्षण बचाओ जन यात्रा। वंचित बहुजन अघाड़ी की मांग। आवेदन के बिना ही लोगों को दिए गए कुनबी जाति के प्रमाण पत्र रद्द किए जाए। दिल्ली में आंध्र प्रदेश के नायडू सरकार के खिलाफ वाईएसआरसीपी का प्रदर्शन। जगन को सपोर्ट करने पहुंचे रामगोपाल यादव, राउत समेत कई विपक्षी नेता। केंद्र सरकार पर बोला हमला। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट करके कहा बीजेपी की नकारात्मक राजनीति से उनके अपने दल के अलावा उनके सहयोगी भी प्रभावित हैं। देश का हित सत्ता के हित से बड़ा होता है। दिल्ली में अमित शाह से मिले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार। सूत्रों के मुताबिक महायुति गठबंधन की सीट बंटवारे पर चर्चा। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आरएसएस कमान संभालने की खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बताया अपनी पहली पसंद। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। कहा कुछ मुस्लिम बहुल्य विधानसभा में फर्जी तरीके से बढ़ाए गए मतदाताओं के नाम, चुनाव आयोग ने जांच की दी भरोसा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का आरोप, छत्तीसगढ़ की सरकार बने सिर्फ 7 महीने हुए हैं और आंकड़े बताते हैं कि चरमराई गई है। कानून व्यवस्था काबू करने के लिए सरकार ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया विधानसभा का घेराव। पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बिहार में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। विधानसभा घेराव के लिए जा रहे थे नेता और कार्यकर्ता। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, बढ़ते अपराध को रोकने के लिए। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के अवैध अतिक्रमण अभियान के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी। हाकरों के समर्थन में किया प्रदर्शन। कहा पहले लोगों को पुनर्वासन दिया जाए फिर हो कार्रवाई। यूपी के शिक्षा मित्र आज मनाएंगे काला दिवस। 2017 में इसी दिन निरस्त किया गया था शिक्षा मित्रों का समायोजन। हर जिले में मृत शिक्षा मित्रों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। इंडिया हाउस में बनेगा ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने का जश्न। राहुल द्रविड़ भी शामिल होंगे। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में शामिल करने का फैसला। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2018 में हुई ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा, अब तक नहीं आए नतीजे। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय का किया घेराव। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड योजना पर सुनवाई आज। याचिकाकर्ता की मांग कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच हो, पार्टियों से पैसों की वसूली। खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी पर आज फैसला सुनाएगी कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 86 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 9 जजों की बेंच ने 14 मार्च को सुरक्षित रखा था फैसला।
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज पेशी सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की पेशी होगी। राउस रेवेन्यू कोर्ट में मामला है। अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने दाखिल की थी अर्जी। गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर केस में सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला, पुलिस अधिकारियों पर चलेगा हत्या का केस। 24 जून 2017 को आनंदपाल का हुआ था एनकाउंटर। यूपी के आगरा में कैदी को हथकड़ी लगाए ताजमहल का दीदार कराती नजर आई हिमाचल पुलिस। चोरी के मामले में पेशी पर आगरा आए कैदी को पुलिस ने दिया वीवीआईपी ट्रीटमेंट। थाने की रहने वाली युवती ने पाकिस्तान जाकर रचाई शादी, सोशल मीडिया के जरिए हुआ था प्यार, वापस लौटने पर फर्जी दस्तावेज। केस में पुलिस ने शुरू की जांच, कई धाराओं में केस दर्ज।